हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूरी जायका। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंच फ्राई की रेसिपी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रंची और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी सी, बिल्कुल आपको जैसी पसंद है ना वैसी वाली बना रही हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं कैसी बनती है ये, तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, ठीक है। ये देखिए, मैं बहुत सारी टिप्स भी आपको बताऊंगी कैसे आपको बनाना है बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छी। ये देखिए, अंदर से बिल्कुल फ्लफी है और बाहर से बिल्कुल क्रंची है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बन जाती है, पर थोड़ी सी ट्रिक्स और टिप्स की ज़रूरत है जो कि इसे परफेक्ट बनाती है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊँगी क्या क्या टिप्स हैं। ये देखिए, इस तरह से लंबे लंबे आलू आपको लेने हैं। ये 3 आलू मैंने लिए हैं, ये सबसे लंबा है, बाकी 2 छोटे छोटे हैं। तो यदि आपको लंबे लंबे आलू मिलते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर उसे पिकअप करें और उसे ज़रूर आप उससे फ्रेंच फ्राई बनाएं। तो ये देखिए, इसका मैंने छिलका निकाल लिया है और इस तरह से ऊपर हेड और टेल आपको कट कर लेना है, ठीक है, इक्वली कट करना है। और उसके बाद जो है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे कट करना है। इसे रख कर इस तरह रेक्टेंगल शेप में इसे कट करना है ना इस तरह से आपको कट करना है, ठीक है। और ये वेस्ट नहीं होंगे साइड साइड के आलू, इसे आप चिप्स बना सकते हैं या फिर आप सब्जी में भी बना सकते हैं या रफली यूज़ करने के लिए फ्रेंच फ्राई भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आप शेप डालें, इसका चौकोन टाइप का आपको इसका शेप डालना है। ये देखिए इस तरह से। अब जो है, चाकू आपको याद रखें कि बहुत ही ज़्यादा शार्प लें ताकि ईजीली आपका जो है वो कट सके फ्रेंच फ्राई, ठीक है। आपको 1/2 इंच का डिफरेंस रखना है और कट करना है इस तरह से। और उसके बाद जो है, आपको या तो आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर कट करें, जैसे कि ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, या फिर आप सिंगल भी कट कर सकते हैं। यदि आपके पास फ्रेंच फ्राई कटर है तो आप उसका भी यूज़ करें, उससे भी बहुत अच्छा परफेक्टली कट हो जाता है, ठीक है। मैं नाइफ से कट करने के लिए बता रही हूँ आपको, चाकू से कट करने के लिए बता रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको मोटाई दिखाती हूँ, इसका जो मोटाई है वो 1/2 इंच का मोटाई रहना चाहिए, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए अब इसे हम लोग करते क्या है, इसे वॉश कर लेते हैं। इस तरह से मैंने 3 आलू को कट कर लिया है और इसे जो है मैंने 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेना है, ठीक है। पानी चेंज कर अच्छे से वॉश कर लें। और अब जो है मैं क्या करूँगी, एक पॉट लूँगी, पॉट में जो है 1/4 पानी डालूँगी गर्म होने के लिए, और 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। और उसके बाद जो है इसे गर्म होने दें, एक उबाल आने दें। ये देखिए उबलना स्टार्ट हो गया है। तो अब जो है इसमें मैं ये आलू के स्टिक्स डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे और बस इसे 5 मिनट तक के लिए ही इसमें रहने देंगे, कवर ना करें नहीं तो ओवर कुक हो सकता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अब जो है करना क्या है, इसे हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सफिशियंट बॉयल हुआ है या नहीं। तो इसके लिए करना क्या है आपको, ये देखिए इस तरह से नेल आपको अप्लाई करना है इसके ऊपर। इस तरह से करने से क्या होगा, ये कट जाता है, तो समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं होना है। तो इसे बॉयल होने से रोकने के लिए इसमें अब नॉर्मल पानी में इसको डाल देना है। ये देखिए इस तरह से, जैसे कि मैं डाल रही हूँ, नॉर्मल पानी में डाल देना है। और इसके बाद इसे एक कॉटन कपड़े के ऊपर इसे इस तरह से फैला देना है, जैसे कि मैं फैला रही हूँ, ये देखिए इस तरह से फैला देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा पानी जो है, एक्स्ट्रा वाटर, वो सब पानी ये एब्जॉर्ब हो जाएगा कॉटन कपड़े में, और उसके बाद मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और बचा कुचा जो मॉइस्चर है वो सूख जाएगा। इस प्लेट में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए और उसे फ़ैन के नीचे 2 घंटे के लिए रख दीजिए, ठीक है, सूखने के लिए। ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और ये सूख चुके हैं। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ये देखिए हल्का सा हार्ड हुआ है। तो इसके बाद इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा क्रंची टेस्ट आएगा। ये देखिए ऑयल जो है वो गर्म होने चाहिए पूरे अच्छे से। ये हाँ, आप जब हाथ रखें तो आपको फील होना चाहिए कि ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब जो है इसमें मैं एक एक कर जो पोटैटो स्टिक्स है, फ्रेंच फ्राई है, वो मैं डाल दे रही हूँ और इसे फ्राई कर लूँगी। फ्राई जो है याद रखिए कि हम लोगों को 2 बार करना है। ये फर्स्ट टाइम मैंने फ्राई करा हुआ है, तो इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इसे डीप फ्राई नहीं करना है, यानी कि डीप कलर नहीं आने देना है, इसे गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है, ठीक है। तो ये गोल्डन हो चुके हैं तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। ये वाले पोटैटो जो साइड में मैंने रखे थे, इसके भी मैंने फ्रेंच फ्राई बना लिए हैं।
इसका शेप बहुत ही परफेक्ट नहीं आता, इसलिए मैंने इसे साइड में रखा था। ये देखिए, ये जो मैंने पहले जो फ्राई कर रखा था उसमें मैं लगभग 3 से 4 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल कर रही हूँ, और उसके बाद जो है इसमें मैं डालूंगी इसे फ्रीजर में। ठीक है, फ्रीजर में कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इसे डाल देना है, और 4 घंटे हो चुके हैं तो इसे मैं अब निकाल ले रही हूँ। निकालने के बाद ये देखिए, ये जम चुका है, तो इसे जो है इस स्टाइल में टैप करते हुए इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है। और अब जो है हम लोग इसमें फिर से कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, क्योंकि इसे हम लोग फ्राई करने जा रहे हैं। तो इसमें मैं फिर से कॉर्नफ्लावर जो है कम से कम 3 से 4 टीस्पून जो है कॉर्नफ्लावर मैं इसमें डालूंगी। ठीक है, आपको याद रखना है कि 2 बार इसे फ्राई करना है और 2 बार कॉर्नफ्लावर डालना है। ठीक है, एक बार फ्रीज में डालने से पहले कॉर्नफ्लावर डालना है, और एक बार जो है फ्राई करने से पहले डालना है। 2 बार हम लोगों को इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है, 2 बार इसे फ्राई करना है। फर्स्ट टाइम जो फ्राई करेंगे तो मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, सेकेंड टाइम जो फ्राई कर रहे हैं तो इसे मीडियम से स्लो हम लोग फ्लेम रखेंगे और इसे फ्राई करेंगे। ठीक है, याद रखें आप इस सारे टिप्स को, आप बहुत ही अच्छा सा टेस्टी वाला फ्रेंच फ्राई घर पर आराम से बना सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है फ्राई कर लिया है। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब जो है इसे मैं निकाल लेती हूँ और मैं आपको तोड़ कर बताती हूँ कि ये कितना परफेक्ट बना है। ठीक है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो किसी छन्नी वगैरह में, जैसे मेटल की छन्नी होती है उसमें निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो उसमें निकल जाता है। ये देखिए, मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही गर्म है, तो ये कितना फ्लफी है और कितना ज़्यादा क्रंची है। बाहर से बहुत ही क्रंची है और अंदर से बिल्कुल फ्लफी। और ये देखिए, आवाज़ जो है सुन सकते हैं आप, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इसकी क्रंची वाली आ रही है। चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसमें जो है मैंने डाला है सेंधा नमक 1.5 चम्मच, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, और 1/3 चम्मच जो है गोल मिर्च पाउडर, और चाट मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच जो है भुना हुआ जीरा डाला है। ठीक है, जीरा का पाउडर डाला है। तो आप चाहें तो और भी कुछ कुछ आप ऐड कर सकते हैं, ऐसे ये सफिशियंट है। ठीक है, यदि आपको सेंधा नमक की जगह में ब्लैक सॉल्ट मिले तो बहुत ही अच्छा होगा, ब्लैक सॉल्ट भी बहुत अच्छा टेस्ट को बढ़ाता है। और उसके बाद जो है ये आप सॉस के साथ खाइए, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, यमी लगता है। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी चटपटी ऐसे ही टेस्टी वाली रेसिपीज़ लेके आने वाली हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।